वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। नमस्कार, मैं भैराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। अपराधियों की फितरत होती है अपराध करना, मासूमों पर जुल्म ढाना। हर अपराधी सोचता है कि पुलिस का हाथ उसके गिरबान तक कभी नहीं पहुंचेगा, शायद इसीलिए वो हर बार अपराध करता है, वो भी बेखौफ होकर और लगातार अपराध करके वहां से फरार हो जाता है। लेकिन ऐसे ही बेखौफ बदमाशों को इन दिनों यूपी पुलिस दौड़ा दौड़ा कर सबक सिखा रही है, उसका एनकाउंटर भी कर रही है। इस बीच एक और कुख्यात बदमाश, जिस पर 25,000 का इनाम भी घोषित था, उसे यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में दबोच लिया है। आपको बता दें कि अपराधी टॉप 10 बदमाशों की लिस्ट में कुख्यात था। इसी इनामी का नाम है जब्बार उर्फ चूहा, जो इस वक्त यूपी पुलिस की गोली का शिकार होते हुए जेल की काल कोठरी में पड़ा है, जिसे पुलिस ने रविवार को गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया और वहां किराए के मकान से रह रहा था। और वहां पर आपको बता दें कि आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने उसके दोस्त के घर से एक तमंचा व जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। चूहे के खिलाफ विभिन्न थानों में 32 मुकदमे दर्ज थे। और तो और, ये बदमाश गौ हत्या जैसे क्रूर अपराधों में भी संलिप्त था। शायद यही बात है जो योगी सरकार और यूपी पुलिस को बर्दाश्त नहीं हुई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने बताया है कि चूहा गाजियाबाद में अपने साथी के साथ मिलकर वारदातों को अंजाम देने की तैयारी में था। मुखबिर की सूचना पर सनोटा पुलिस चौकी प्रभारी अशोक कुमार ने वहां दबिश दी और इसके बाद मौके से जब्बार को दबोच लिया गया। लेकिन इस कार्रवाई में उसका साथी फरार हो गया। साथी के घर पर पुलिस ने दबिश देकर अवैध हथियार व कारतूस भी बरामद किया है। कोतवाली प्रभारी ने बताया है कि जब्बार और चूहा गुलाबडी कोतवाली क्षेत्र से वांछित चल रहा था और काफी वक्त से वो फरार था। गांव चुड़ावक में स्थित अपने घर से फरार था और जब्बार और चूहा समय समय पर ठिकाने बदलता रहता था, जिसके चलते यूपी पुलिस उसे अभी तक पकड़ नहीं पा रही थी और उसकी लगातार उसकी तलाश में जुटी थी। उन्होंने बताया कि जब्बार को चूहा नाम उसके साथियों ने दिया था, क्योंकि वो इसी तरह से अपने बिल बदलता रहता था और कभी यूपी पुलिस के हाथ नहीं आता था। लेकिन अब वो गिरफ्तार भी हो चुका है और यूपी पुलिस की जेब में है। लूट हत्या के प्रयास में मुकदमा उसके खिलाफ काफी सारे दर्ज हैं। कोतवाली प्रभारी ने बताया है कि आरोपी जब्बार और चूहा पर गुलाबटी अनूप शहर और साथ ही जहांगीराबाद बुलंदशहर कोतवाली देहांत और साथ ही औरंगाबाद समेत अन्य थानों में लूट हत्या के प्रयास चोरी गौवध अधिनियम पशु क्रूरता अधिनियम और गैंगस्टर एक्ट आर्म्स एक्ट आदि के मिलाकर कुछ करीबन 32 संगीन मामले दर्ज हैं उस पर। अब इन सभी संगीन मामलों की हर धारा का हिसाब यूपी पुलिस अपने लट से लेगी और इस खबर पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज राष्ट्र के नाम।